एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैटिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं ये बात बताना आप लोगों को चाहता हूं कि जैसा कि मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेक्निकल यानी बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रखा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीसीसी यानी 2023 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो पास आउट हो गए हैं। तो सभी लोगों को फिर से तहे दिल से आप लोगों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल खुशीपूर्वक से इस सरस्वती पूजा को मना रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा स्टेटस देखा तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे जो है कि बहुत अच्छे तरीके से इस सरस्वती पूजा को मना रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं अपने प्राउड मोमेंट लगा कि चलो कम से कम बच्चे के साथ में इस खुशी को शेयर किया जाए। तो आज जो दिन आप लोग आज खुशी मना रहे हैं, आज हम अकेले इस रूम में बैठ के उस दिन को याद कर पा रहे हैं कि काश जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो आप लोगों की तरह ही इसी तरीके से धूमधाम से बिल्कुल कॉलेज में जो है कि सरस्वती पूजा करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से सरस्वती पूजा को कीजिएगा, क्योंकि सरस्वती पूजा तो आप लोगों ने प्रतिमा बैठाया होगा, मूर्ति बैठाया होगा और अच्छे से पूजा पाठ हो गया होगा। तो बात आएगी कुछ विसर्जन की, जब आप विसर्जन करेंगे तो मूर्ति भसाने के दरमियान में आप सभी चीज़ को नियम कायदे को ध्यान में रखिएगा, चूँकि आप कॉलेज में कहीं पर भी रहते हैं, बाहर जब आप मूर्ति भसाने जाते हैं तो हर एक तरह का वहाँ पर लोग रहते हैं, मूर्ति विसर्जन के दरमियान थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उस सभी से बच के आपको जिस तरीके से आपने माँ सरस्वती को क्यों स्थापित किया, माँ सरस्वती को स्थापित इसलिए किया और आपने माँ सरस्वती का पूजा किया, क्योंकि हम लोगों का विद्यार्थी का एक ही चीज है कि माँ सरस्वती को पूजा को हम लोग तन मन से पूजा करते हैं। और जो है कि एक चीज थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उस समय किसी का नहीं, सभी चीज एकदम अच्छे से कर लेते हैं। और जब आप इस बात को गौर कीजिएगा, जब आप मूर्ति को बसाने के लिए जाइएगा तो आपकी आंखें नम हो जाएगी और आपके एक ही बात दिल से निकलेगा, हे माँ सरस्वती, मैंने आपका जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पूजा किया, काश आप भी हम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कृपया करके थोकी सी इस बार भगवान हमको बचा लीजिएगा, मेरा एग्जाम अच्छे से निकल जाना चाहिए। ये ऑटोमेटिक दिल की बात है। तो जो हम लोग फील करते थे वो आप लोगों के साथ में शेयर किए। तो बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरस्वती पूजा का विसर्जन करना है, ताकि किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार के आदमी को किसी भी तरह का ठेस नहीं पहुंचे। और अगर रंग गुलाल अबीर उड़ाते हैं तो ध्यान से किसी के आंखों में ना जाएं, इस सभी चीज़ को ध्यान रखिएगा। माँ की बात, आप लोगों को अच्छे से सरस्वती पूजा मनाइए और ज़िंदगी के हर पल को खुशी से जिए, एकदम एकदम मनोरंजन के साथ। अगर अभी आप पूजा पाठ कर रहे हैं अच्छे से, एकदम मनोरंजन के साथ कर रहे हैं, तो बिल्कुल 100% उसमें रम जाइए। जो ही पूजा पाठ खत्म होगा फिर आप अपने पढ़ाई में अगर लगन से लग जाइएगा तो 100% अपने पढ़ाई पे लग जाइएगा। बाकी बात, ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।